हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि राधे और कृष्ण के तस्वीर के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, क्या राज छिपा हुआ है। देखिए, आजकल छोटी मोटी बातों पर पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। पहले आपने देखा होगा कि इतने तलाक के केसेस नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज तलाक के केसेस ज़्यादा हैं। कई बार छोटे छोटे झगड़े बड़े झगड़ों का रूप ले लेती है, रिश्तों में दरार आ जाती है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। राधा कृष्ण अपने प्रेम के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। मान्यता है कि राधा कृष्ण की तस्वीर को घर में रखने से कई तरह की परेशानियों का अंत हो जाता है। यह सिर्फ तस्वीर का कमाल है। आज चाहे लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, पर बीच जैसी लड़ाई की पड़ती है तो भयानक रूप लेता है और तलाक तक बात पहुंचती है। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल मची हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मान्यता यही है कि राधे कृष्ण की तस्वीर को घर में रखने से कई तरह की परेशानियों का अंत होता है। वहीं वास्तु के अनुसार भी इनकी तस्वीर घर में लगाने से बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। आप लोगों की मानो या शास्त्रों की मानो तो राधे और कृष्ण की सुंदर तस्वीर अपने बेडरूम की दीवार पर लगाने से पति पत्नी के बीच का तनाव धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। वहीं अगर तस्वीर लाल रंग की होगी तो ये बहुत अच्छी बात है। बता दें कि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार हमेशा बढ़ता है और लड़ाइयाँ जो हैं वो कम होती है और कम होकर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जहाँ राधे कृष्ण की तस्वीर लगी हो उसके सामने वाली दीवार पर पति पत्नी अपनी तस्वीर लगाएं। वास्तु के अनुसार यह भी बहुत शुभ फल माना जाता है। आप सबको पता है कि राधे कृष्ण अटूट प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं, अटूट प्रेम के प्रतीक। इसलिए वास्तु में बताया गया है कि उनकी तस्वीर घर के बेडरूम में हमेशा ऐसी जगह पर लगाएं कि उठते बैठते सीधी नजर उस पर ही पड़े। राधे कृष्ण की तस्वीर लगाने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तस्वीर में राधे कृष्ण अकेले हो, उसमें एक भी गोपी नहीं हो, गोपी नहीं होनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर पत्नी और पति सुबह शाम इस तस्वीर के दर्शन करने हैं, उठते भी तस्वीर के दर्शन करो, सोते भी तस्वीर के दर्शन करो, तो उनके बीच के सभी जो भेदभाव हैं वो दूर हो जाते हैं और जो प्यार है वो बढ़ती चली जाती है। उनके बीच कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। तो ये उनके तस्वीर का रहस्य है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।